इस चैनल पर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे आप अपनी स्किन को वाइटन कर सकते हैं, यानी कि अपनी रंगत को निखार सकते हैं एक बहुत ही घरेलू और आसान उपाय से। जैसा कि दोस्तों हम सब अपनी स्किन पर पता नहीं कितनी तरह के प्रोडक्ट्स लगाते हैं, कभी कोई फेस वॉश तो कभी कोई फेस पैक, कभी ब्लीचिंग क्रीम्स तो कभी कोई फेशियल क्रीम्स, लेकिन आपको आज मैं बताने जा रही हूँ एक ऐसा आयुर्वेदिक और प्राकृतिक नुस्खा जिससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इससे आपकी स्किन प्राकृतिक तौर पर गोरी दिखने लग जाएगी और कांतिवान रहेगी। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, तो आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका। अगर आपकी स्किन पर धूप की वजह से टैन हो गया है या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डेड दिखती है, आपकी स्किन में जान नहीं है, तो आप इस नुस्खे का उपयोग कर सकते हैं। इससे आपकी त्वचा बहुत ही ज़्यादा चमकदार और कांतिवान हो जाएगी। दोस्तों इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी, नींबू, खीरा और गुलाब जल। मैं आपको बताती हूँ इसका तरीका, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, जिससे कि आपके पास हमारे नए वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पहुँचेंगे। दोस्तों इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें सबसे पहले खीरे को छील कर और उसे काटना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने खीरे को पहले से छील कर रखा हुआ है, अब हम इसे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। दोस्तों इस तरह से खीरे को छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। उसके बाद आपको इसे मिक्सर में डालना है और इसका जूस निकालना है। याद रहे कि आपको इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खीरे में ऑलरेडी बहुत पानी होता है। अब हम इसे बिना पानी डाले पीस लेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है, मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला है, लेकिन तब भी इसका जूस बनकर तैयार है। अब मैं इसे इस कटोरी में निकाल लेती हूँ। कटोरी में हमने ऊपर छन्नी रखी है, जिससे कि जो मोटा हिस्सा है खीरे का वो ऊपर रह जाएगा और जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो नीचे आ जाएगा। आप देख सकते हैं खीरे का रस बनके तैयार है। अब इसमें जो दूसरी चीज़ हमें ऐड करनी है वो है ये गुलाब जल। इसमें आप एक बार खीरे की क्वांटिटी देख लीजिए, खीरे का रस ऑलमोस्ट 2 चम्मच है। तो दोस्तों ये खीरे का रस बनके तैयार है, अब इसमें हम डालेंगे गुलाब जल। आपने जितना खीरे का रस लिया है उसका आधा आपको गुलाब जल चाहिए, तो इसमें मैं 2 बड़े चम्मच गुलाब जल का डाल देती हूँ। अब इसमें जो तीसरी चीज़ हमें चाहिए वो है नींबू। नींबू का रस निकालना होगा और उसे इसमें डालकर मिक्स करना होगा। देख सकते हैं इसमें 1 बड़ा चम्मच मैंने नींबू का रस डाल दिया है। तो दोस्तों ये हमारा खीरे का टोनर बनके तैयार है। इसे आप किसी स्प्रे वाली बॉटल में भर के रख सकते हैं, आप इसे स्टोर कर सकते हैं, आप चाहें तो ज़्यादा टोनर बनाकर महीने भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। जिस तरह से ये बॉटल आती है गुलाबरी की, आप इस तरह की बॉटल ले लीजिए और उसके अंदर इसे भर के रख सकते हैं। इसे आप अपने चेहरे पर कभी भी स्प्रे कर सकते हैं, सन टैन हुआ हो या फिर अगर आपको गर्मी लग रही है तो ये आपकी स्किन को शीतलता देता है। साथ ही साथ आपके चेहरे पर इसको लगाने से रौनक आती है। अगर आपके चेहरे पर किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं तो वो भी इससे धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो इस स्किन टोनर का इस्तेमाल करें और अपनी स्किन की रंगत को निखारें। इससे आपकी त्वचा धीरे धीरे गोरी हो जाएगी और आपको किसी भी तरह के आर्टिफिशियल मेकअप या आर्टिफिशियल क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों इस नुस्खे का इस्तेमाल करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इसका कितना फ़ायदा मिला।